दोस्तों हमारे पास ACL टीयर की आपकी बहुत सारी क्वेरीज आती है, उसमें सबसे मेन क्वेरी है कि क्या ACL टीयर को हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आज हम उस मैजिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे जिसकी मदद से हम आपके ACL टीयर को बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। PRP को हम बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये दोस्तों हम आपके ही ब्लड से बनाते हैं। हम लगभग 10 से 15 ml आपका ब्लड निकालेंगे, उसको हम मशीन में डालेंगे। मशीन से हमें 4 से 5 ml PRP मिलेगा जो कि स्ट्रोक अलर्ट का होता है। उस PRP के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, पेरिसाइट्स होते हैं जो कि एक तरह के स्टेम सेल्स हैं। जब हम वो PRP आपके ACL के टीयर के बिल्कुल अंदर लगाते हैं, अब बात आती है कि PRP तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, पर क्या हम वो PRP आपके ACL में डाल पा रहे हैं, इसमें एक्सपर्टीज काम आती है। तो अगर ढंग से और जो एक्सपर्ट सर्जन जो रोज़ PRP इंजेक्शन लगा रहा है ACL के अंदर, वही आपके ACL के तक पहुंच सकता है, क्योंकि घुटना काफ़ी नैरो होता है, उसमें बहुत सारी बोन्स होती है, तो हम इंजेक्शन से बिना देखे कैसे ACL तक पहुंचेंगे, इसकी काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। एक बार PRP आपके टॉर्न लिगामेंट के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, उसको लगभग हर वीक एक इंजेक्शन देना पड़ता है, लगभग 3 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद धीरे 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 आपका ACL हील होने लगता है और आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये PRP तभी काम करता है जब हम इसके साथ साथ हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, ACL हीलिंग एक्सरसाइजेस। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। PRP में इतने सारे हीलिंग फैक्टर्स हैं जो आपके ACL को 3 महीने में पूरी तरह ठीक कर देंगे और आप 3 महीने के बाद खेलने और वापस दौड़ लगाने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आखिरी में बताना चाहूँगा कि जब हम PRP का इंजेक्शन ACL के अंदर लगाते हैं तो वो इंजेक्शन हमारे जॉइंट में भी जा सकता है। वो इंजेक्शन अगर जॉइंट में लग गया, नी जॉइंट के अंदर, तो PRP वेस्ट हो जाएगा। उसका ACL टीयर के अंदर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर एक्सपर्टीज काम आती है। तो अगर आपको PRP का इंजेक्शन अपने ACL में लगवाना है तो आप वहीं लगवाइए जिनके पास, जिन डॉक्टर के पास इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, जो ACL में इंजेक्शन रोज़ लगाते हैं, तभी वो इंजेक्शन आपके ACL टीयर के अंदर लगा पाएंगे, नहीं तो आपका PRP वेस्ट चला जाएगा अगर वो सिर्फ जॉइंट स्पेस के अंदर लग गया तो।